आजकल मैं एक वीडियो की सीरीज दे रहा हूँ, स्किल अपने अंदर कैसे डेवलप करें। मैंने एक स्किल पे वीडियो की सीरीज देना शुरू किया कि एक यूट्यूबर कैसे बने, वेब डिजाइनर कैसे बने और इनसे प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर कैसे बने, इन सारी चीजों पे मैंने वीडियो दे चुकी है। और आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक ब्लॉगर कैसे बने। ब्लॉग और वीलॉग दोनों दो कैटेगरीज है। एक, आप वीडियोस बनाते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, लोगों का मनोरंजन करते हो, लोगों को नॉलेज देते हो, लोगों को कुछ मैसेज देते हो। दूसरा, आपको लिखने की आदत है, आप लिखते हो और लोगों की ट्रैफिक जनरेट करते हो, लोगों का मनोरंजन करते हो। तो दोनों में प्रॉफिटेबल क्या है, दोनों की आने वाले समय में डिमांड क्या है और दोनों करते कैसे हैं, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर ये वीडियो आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप मिस कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे कुछ नई चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है ब्लॉग। अब बात करते हैं ब्लॉग की। ब्लॉग की शुरुआत कब हुई? ब्लॉग भारत के अंदर 90 के दशक में आया था, यानी 1990 में। लेकिन अब ब्लॉग जो है उसकी ट्रेंड काफी बढ़ती जा रही है। जब ये ब्लॉग आया उस टाइम इसको वेब ब्लॉग कहा जाता था, वेब ब्लॉग। लेकिन जब देखा गया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है तो इसे शॉर्ट कर दिया गया और इसका नाम पड़ा ब्लॉग। लेकिन इसकी ट्रेंड बढ़ी है 2010 के बाद, जब थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड भारत के अंदर बढ़ी है। लोग आज की डेट में क्या करते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, कोई बुक्स पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अपने भारत के अंदर लोग फोन कितना यूज करते हैं, बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फिर भी फोन उनके हाथ में है। तो उस फोन का यूज करते हैं वो लोग, उस पर न्यूज पढ़ते हैं, उस पर कुछ कहानियां पढ़ते हैं, उस पर कुछ ट्रेंडिंग चीजें देखते हैं। तो ब्लॉगिंग आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन बन गया है एक करियर पेस्ट बनाने का। अब ब्लॉग लिखते हो, आपकी लिखने में रुचि है, आप ट्रेंडिंग न्यूज पकड़ सकते हो। आप ट्रेंडिंग न्यूज पकड़ो, ट्रेंडिंग पे लिखो, कोई इतिहास, भूगोल, हिंदी, किसी भी चीज पे उठाओ और लिखो। देखो कि सबसे पहले लिखने के से पहले कुछ चीजें करो कि आप ये देखो कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें डिमांड किस चीज की है। लोग गूगल पे जाके पढ़ना क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आप नॉर्मली इसका पता गूगल पे सर्च करके भी लगा सकते हो कि ज्यादातर लोग सर्च क्या करते हैं, किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस में है, कॉमेडी में है, गाने में है, या फिर किसी स्टोरी में है, ट्रेंडिंग न्यूज में है, क्या चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आ रही, बस वही एक नीच पकड़ो और वहां से लिखो। अब बात आती है कि ब्लॉगिंग तो लिखने के लिए हमने एक देख लिया कि हमें कैसे लिखना है, लेकिन अब लिखेंगे कहां, ये बात तो आती है ना कि अब हम ब्लॉग को लिखेंगे कहां। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक डोमेन होस्टिंग लो, वर्डप्रेस, वीमो या फिर गुडआईडी जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक डोमेन होस्टिंग ले सकते हो। या फिर अगर आप प्रोफेशनली ब्लॉग नहीं बनना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो भी गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पे जाके आप फ्री टेस्टिंग कर सकते हो। वहां से उस पे टाइप करो, लिखो, अपने नाम का एक प्रोफाइल बनाओ, वहां से आप लिख सकते हो। वो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे फेसबुक हो सकता है, या फिर छोड़ो दुनिया में कुछ भी मत करो, फेसबुक उठाओ और फेसबुक पे आप लिखना शुरू करो, वहां से शुरुआत करो अपने ब्लॉग की। और फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहां पे आपके ब्लॉग काफी फेमस हो सकते हैं और आप ब्लॉगिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हो। यहां पे जब आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी वहां गूगल आपको पैसे देने शुरू कर देगा, क्योंकि आपके अंदर जब कला होगी तो आप लोगों को इकट्ठा कर पाओगे और जब लोग आपके पास चल के आएंगे तो पैसा अपने आप चल के आएगा। ये हो गई ब्लॉगिंग। अब बात करते हैं वीलॉग। वीलॉग क्या है? ब्लॉगिंग से बहुत ज्यादा ट्रेंड वीलॉग का चल रहा है। आज की डेट में इंडिया के अंदर लगभग 6.7 मिलियन लोग ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग को डेली पोस्ट करते हैं, लेकिन वीलॉग लगभग 12 मिलियन लोग बनाते हैं, यानी वीडियोस जो लोग बनाते हैं उनकी संख्या है 12 मिलियन और जो लोग लिखते हैं उनकी संख्या है 6.7 मिलियन। अब समझ रहे हो ट्रेंड किसकी बढ़ रही है? लोग पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना छोड़ दो, आपकी रुचि जिसमें वही करो। आज भी किसी चीज की कमी नहीं है, आज भी प्रोफेशनल लोग हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, देखते नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आप कम्युनिटी किसकी पकड़ रहे हो। सकता है आपको बोलने का ढंग ना हो तो आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके लिए लिखना ही जरूरी। तो दोनों को निगेटिव ना ले, दोनों पॉजिटिव है। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ट्रेंड दोनों का है और आपकी जिसमें रुचि होगी आप वो चीजें कर सकते हो। वीलॉग करने के लिए आपके पास थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, आपके पास कैमरा होना चाहिए, नहीं है तो फोन से भी हो जाएगा। एक एडिटिंग के लिए लैपटॉप या फिर फोन से भी आप एडिट कर सकते हो। दूसरी चीज है, आपके पास एक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलोगे लोग नहीं सुनेंगे, आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि लोग आपको देखें, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप लोगों को बांध के रखो। आप अगर 10 मिनट की ब्लॉग डाल रहे हो तो 10 मिनट लोग या तो पढ़ें या तो 10 मिनट देखें, और जाहिर सी बात है जब वो देखेंगे वो पढ़ेंगे तभी आप पैसे कमाओगे।
कुछ दुनिया में फ्री का नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए चल दिए, फटाक से कैमरा लिए कुछ भी बकवास बना दिए, लोग नहीं देखते हैं। आज की डेट में लोगों को बेवकूफ समझना ये अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हर इंसान समझदार है। अगर इंसान को खुद पे देखा जाए तो वो नहीं जज करेगा, लेकिन अगर आपको जज करना हो तो उसके अंदर ज्ञान की बौछार निकल जाती है। तो आप अपने तरफ से कोई गलती ना करें, आपके अंदर एक नीच है, एक ईमानदारी के साथ कोई भी वीडियोस बनाए, एक नीच पकड़े उस पर, एक कैटेगरी से वीडियोस डालें, कोई मैसेज देने का कोशिश करें लोगों को। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर सबसे बड़े ब्लॉगर है सौरभ जोशी, उनका एक मैसेज होता है लोगों को, वो फैमिली से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, फैमिली कितने अच्छे से रहती है, एक साथ मिलजुल के रहती है, वो नेचर को दिखाते हैं, थोड़ी सी एडवेंचरस लाइफ दिखाते हैं। तो उनका एक मैसेज होता है लोगों को कि लोग अपने आप में एक व्यवस्थित ढंग से कैसे रह सकते हैं। अब ब्लॉग लिख के भी लोगों को ये चीजें समझा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वीडियोस बनाओ। तो आप या तो ब्लॉगर बनो या तो व्लॉगर बनो। अगर आपका मन या आपका दिमाग कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए तो आप कर सकते हो, फेमस आप दोनों चीजों में हो सकते हो। इंडिया का सबसे बढ़िया वेबसाइट है hindimi.in, जिसके फाउंडर हैं सुमित अग्रवाल, और उन्होंने जब इस वेबसाइट को बनाया लगभग 4 से 5 साल लगे सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रो कराने में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज की डेट में 125 वेबसाइटों के वो मालिक हैं और सारे पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पढ़ते हैं। ये क्या आज भी मेहनत करते हैं? नहीं करते। आज इनकी टीम मेहनत करती है और ये पैसे कमा रहे हैं। इन्हें आइडिया है कि कैसे उस काम को करना है, इन्हें पता है कि इस चीज को ग्रो कैसे करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल करोगे तभी जाके एक टीम बिल्ड कर पाओगे और लंबा पैसा कमा पाओगे।